हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम अकाउंट्स पार्ट टू में एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सम स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इजी सम्स हैं, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर ऑफ अकाउंट पार्ट टू। वैसे तो अकाउंट पार्ट टू की बात करें तो पूरा ही इजी है, ये मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर फोर स्टार्ट करते हैं। द एवरेज्ड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एंडिंग ऑन 31 मार्च 2016 and 2017 ऑफ सुमन कंपनी लिमिटेड आर गिवन एज फॉलोज। प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो यहां पर आपको टू टाइप के स्टेटमेंट बनाने के लिए बोलेंगे, टू टाइप। एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट होगा आपके कोर्स में और दूसरा कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये देखिए कॉमन साइज। सो इन दोनों वर्ड्स को याद रखो, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज। अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इन्होंने वैल्यूज दी हुई है 17 और 16 की। तो हमें बनाना है कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ सुमन कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग 16 एंड 17। अब यहां पर आप कॉलम्स को समझ लो। फर्स्ट कॉलम होगा पर्टिकुलर, सेकंड कॉलम नोट नंबर जिसमें कुछ भी नहीं आता है, थर्ड कॉलम होगा 31 मार्च 2016 के नंबर्स एंड फोर्थ कॉलम होगा 17 के नंबर्स। पहले हम इतना नोट डाउन कर लेते हैं, सो ध्यान से समझ लो। अब बुक में आप देखते जाओ, बुक में आपको सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है। अब देखो मैं पहले 16 के लिख रहा हूँ और बुक में आपको आगे पीछे दिए हुए, कंफ्यूज करने के लिए 17 पहले देते हैं और 16 बाद में देते हैं और स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक कर देते हैं। आपको 16 के नंबर्स पहले लिखने हैं और फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए जो हम कंपनी फाइनल अकाउंट में सीख कर आए हैं। सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू मींस इनकम फ्रॉम सेल्स 22 लाख, 16 की कर लेते हैं पहले। देन अदर इनकम्स 1,50,000, टोटल ऑफ 1 + 2 मींस टोटल इनकम 23,50,000, एक्सपेंसेस 15,40,000। Now, 23,50,000 माइनस 15,40,000 से ये बचा प्रॉफिट बिफोर टैक्स 8,10,000। अब हम यहाँ पर टैक्स कैलकुलेट करेंगे 30% इनकम टैक्स। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा 5,67,000। सो ये पूरा हमने कैलकुलेट कर लिया एज पर कंपनीज एक्ट, एज पर कंपनीज फाइनल अकाउंट फॉर द ईयर 16। अब वही सेम कैलकुलेट करेंगे 17 के लिए। तो 17 में देखिए सेल्स है 33 लाख, बुक में आपको दिया हुआ है। अदर इनकम्स 2,25,000, 35,25,000, एक्सपेंसेस हैं 23,76,000। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 11,49,000। अब उसमें से 30% टैक्स माइनस करेंगे, सो 8,04,300 रुपीज ये हो जाएगा 17 के लिए। अब इतना तो हमने किया, वो तो हम कंपनीज फाइनल अकाउंट में करके आए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है वो समझिए। और मैं वंस अगेन फिर से बता रहा हूँ, ये फर्स्ट सम है, ध्यान से समझना, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर है ये। अब हम कैलकुलेट करेंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज इन रुपीस। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन रुपीस मीन्स हम ये कंपेयर करेंगे कि सेल्स इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
17 की सेल्स में से 16 का सेल माइनस करना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा कि इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई। सो फिफ्थ कॉलम कैसे बनेगा? फिफ्थ कॉलम बनेगा फोर्थ कॉलम माइनस थर्ड कॉलम। आप ये मत समझना कि 4 माइनस 3 अगर आप मैथमेटिकली देखोगे तो 4 माइनस 3 1 होता है, लेकिन ये 4 माइनस 3 आपका कॉलम दिया हुआ है कि फोर्थ में से आप थर्ड कॉलम माइनस करो तो आपका फिफ्थ कॉलम बन जाएगा। अब सेल्स देखिए, 16 में थी 22 लाख, 17 में हो गई 33 लाख। सो 33 में से 22 माइनस करेंगे तो 11 लाख रुपीज़ सेल्स इंक्रीज हो गई। कितनी इंक्रीज हुई? 11 लाख रुपीज। और यह है इंक्रीज एंड डिक्रीज, ये रुपीज नहीं है, इन परसेंटेज है। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन परसेंटेज। अब परसेंटेज में हमें कैलकुलेट करना है कि कितनी इंक्रीज डिक्रीज हुई, तो उसका है कॉलम नंबर 6। एंड कॉलम नंबर 6 कैसे बनाएंगे? सो फिफ्थ कॉलम डिवाइड बाय थर्ड कॉलम इनटू 100। फिफ्थ कॉलम डिवाइड बाय थर्ड कॉलम इनटू 100। सो फिफ्थ कॉलम में वैल्यू है 11 लाख, थर्ड कॉलम में वैल्यू है 22 लाख। सो 11 लाख डिवाइड बाय 22 लाख इनटू 100 करेंगे तो जो आंसर आ जाएगा वो परसेंटेज में होगा कि हमारा सेल 50% इंक्रीज हो गया। और करके देखिए ना, आप सपोज कीजिए कि 16 में सेल इन्होंने दिया है 22 लाख और उसमें 50% ऐड कर रहा हूँ मैं, तो 22 लाख का 50% कितना होगा? 11 लाख, और ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 33 लाख। सो स्टूडेंट्स, ये आपको 22 लाख में से 33 लाख हो गया, 11 लाख रुपीज सेल इंक्रीज हुई एंड इन परसेंटेज इंक्रीज हुआ 50%, तो ये हुआ 50%। सेम 17 में अदर इनकम्स हैं 2,25,000, 16 में थी 1,50,000, 2,20,000 में से 150 माइनस करेंगे तो 75,000 इंक्रीज हुई इन रुपीस, और परसेंटेज में इंक्रीज हुई 50%। ये सारी वैल्यूज आपको, ये पूरा कॉलम ही आपको परसेंटेज में दिया हुआ है, ये पूरी वैल्यूज परसेंटेज में कैलकुलेट हो रही हैं। सो आगे कंटिन्यू करते हैं, तो टोटल इनकम कितनी इंक्रीज हुई? 35,25,000 में से, ये हर एक में ऐसा ही करेंगे, फोर्थ कॉलम में से थर्ड कॉलम माइनस कर दो। सो 11,75,000 एंड 11,75,000 डिवाइड बाय 23,50,000, तो 50% सेल इंक्रीज हुई। देन एक्सपेंसेस कितने इंक्रीज हुए? 8,36,000। और एक्सपेंसेस हम देखें तो एक्सपेंसेस 54.29% इंक्रीज हुए। कैसे? सेम यहाँ पर आपको यही करना है, फिफ्थ कॉलम को डिवाइड करना है थर्ड कॉलम के साथ, 8,36,000 डिवाइड बाय 15,40,000 इनटू 100। अब टैक्स, सो सेम 17 का टैक्स है 11,49,000, 8,10,000 माइनस किया 3,39,000, और 3,39,000 को डिवाइड करेंगे 8,10,000 पर तो हमारा जो टैक्स है वो 41.85% इंक्रीज हो गया। नंबर्स प्लस में आ रहे हैं दैट मीन्स इंक्रीज हुआ है, और माइनस में आ रहे हैं दैट मीन्स डिक्रीज हुआ है, सेम। सो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड टैक्स दोनों ही के सेम परसेंटेज आ रहे हैं। नाउ लास्ट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 17 में था 8,04,300, 16 में है 5,67,000, फोर्थ कॉलम में से थर्ड कॉलम माइनस करेंगे सो 2,37,300 एंड 2,37,300 को डिवाइड करेंगे 5,67,000 से तो 41.85% इंक्रीज हुआ, 41.85% सेल्स इंक्रीज हुआ है। सो स्टूडेंट्स, ये जो हमने किया ये है कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको 2 ईयर्स को कंपेयर करना है, इसलिए इसका नाम रखा हुआ है कंपेरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। बैलेंस शीट को भी कंपेयर कर सकते हैं, इसी मेथड से करेंगे, बैलेंस शीट भी कंपेयर करनी है, बट ये आपको याद होना चाहिए कॉलम्स कैसे बनाने हैं। पहले 16, फिर 17 के फिगर्स,
17 में से 16 माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। इस समय सारे ही वैल्यूज, सारे ही फिगर्स पॉजिटिव आए हैं, लेकिन सपोज़ कीजिए, सपोज़ करते हैं कि इनके अदर इनकम्स 150 थे, फिर अगर डिक्रीज होकर 1 लाख हो गए तो यहाँ पर हम -50,000 लिखेंगे। सो यहाँ हमें इंक्रीज डिक्रीज इन टर्म्स ऑफ रुपी भी देखना है एंड इंक्रीज डिक्रीज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी देखना है। हमें दोनों ही पता चल जाएंगे कि कितना इंक्रीज एंड कितना डिक्रीज हुआ है, और हम यहाँ पर 2 ईयर्स को कंपेयर कर रहे हैं, सो इसलिए इसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क आज का, आज आप होमवर्क में करोगे क्योंकि बहुत ही इजी चैप्टर है, जल्दी पूरा हो जाएगा। होमवर्क में आपको करना है इलस्ट्रेशन 1, 2, 4, इलस्ट्रेशन 1, 2, 3, 4, चारों इलस्ट्रेशंस आपको होमवर्क में करने हैं। सो ये सम यहाँ पर पूरा हुआ, ये लेक्चर भी आपका पूरा हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। सो नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पर कुछ डाउट है तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।